So alright, this video is dedicated to all those persons who are fond of chhedchhad. Arey kagajon se chhedchhad. Okay, so let's start it. Up and just felt right, phone blown like a tailpipe. Today's schedule airtight, it turned a short day into a long night. See you soon if you got the heart, meet you outside any park. So okay, आपने काफी सारे लोग देखे होंगे वो क्या करते हैं, अपनी लीगल डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करते हैं। जैसे कि किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ पसंद नहीं आई, वो उसको छेड़ देंगे। किसी की 1997 है, उसको 2000 बना देंगे। किसी की नाम की स्पेलिंग में कुछ है, उसे चेंज कर देंगे। अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिखाएंगे लीगल डॉक्यूमेंट्स में। तो आपको बता दें, ऐसा करना एक क्राइम है। क्राइम है अंडर सेक्शन 465 ऑफ आईपीसी फोर्जरी। इसमें क्या होता है, अगर आप किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है। मैक्सिमम जो सज़ा है वो है 2 साल और जो मिनिमम है वो है 6 मंथ्स। जनरली डिपेंड करता है कि आपने कितनी बड़ी डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ की है। कोई अपनी 10th की मार्कशीट से छेड़छाड़ की है या फिर कोई बड़ी लीगल डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ किया है। जनरली डिपेंड ऑन योर लीगल डॉक्यूमेंट, आई मीन नेचर ऑफ योर डॉक्यूमेंट। ओके, कुछ लोग सोचते हैं कि अरे क्या पता चलता है यार, क्या है, छोटी मोटी बातें हैं। तो इंडियन सोसाइटी है, जब तक कोई बड़ा नुकसान ना देख लें पता नहीं चलता। सो लेट मी शो यू द बड़ा नुकसान, एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल। क्या होता है, एक फौजी था, वो क्या करता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज करता है। उसकी ज़्यादा होती है, वो थोड़ी कम दिखा के फौज में लग जाता है। ठीक है, लग जाता है, अच्छी बात है, लग गया। काफ़ी साल चलते हैं, 3-4 साल उसकी सर्विस चलती है, अराउंड 10 ईयर हो जाते हैं उसको सर्विस में। ओके, फिर बाद में कोई उसकी रिव्यू कराता है, उस पर कुछ केस हो जाता है, उसकी रिव्यू कराता है, आरटीआई लगाता है। तो उसमें पता चलता है कि उसने जो लीगल डॉक्यूमेंट है अपनी गलत दी हुई है, जस्ट डेट ऑफ बर्थ है वो गलत दी हुई है। तो उसका आर्मी ऑफिसर्स उसका रिव्यू कराते हैं, उसको पता चलता है कि इसने तो फोर्जरी करके ये जॉब ली थी। तो उसे 10 साल सर्विस करने के बाद जॉब से निकाल दिया जाता है, फाइन अलग होता है, और जितने भी उसने पेमेंट कमाई है उसका टैक्स लगता है अलग से, और सज़ा होती है, और इंसल्ट तो अलग से होती है। तो मॉरल ऑफ द वीडियो यही है कि आप ऐसी गलती ना करें, किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट से या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट से उसे छेड़छाड़ ना करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।